और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर पर सीधा आपको लेकर चलते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर आजम खान ने मीडिया से बदतमीजी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान ने मीडिया से भी बदतमीजी की और मध्य प्रदेश के विदिशा में ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर मीडिया से कहा कि आपके वालिद की मौत पर आया हूँ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मीडिया से आजम खान की बदजुबानी सामने आई है। मीडिया से भी आजम ने बदतमीजी की है। जयप्रदा के बारे में सवाल पूछे जाने पर वो भड़क गए और आजम खान ने मीडिया से बदतमीजी की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, ताजा खबर सामने आ रही है, मध्य प्रदेश के विदिशा में ये बदतमीजी की गई है। आजम खान की मीडिया से बदजुबानी सामने आई। मीडिया से उन्होंने कहा कि आपके वालिद की मौत पर आया हूँ। जयप्रदा के बारे में सवाल पूछे जाने पर भड़के आजम खान, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर पत्रकार के सवाल पूछने पर आजम खान भड़क गए और उन्होंने बदतमीजी की है। आजम खान मीडिया से बदतमीजी करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के विदिशा में उन्होंने पत्रकारों के साथ बदतमीजी की। मीडिया से उन्होंने कहा कि आपके वालिद की मौत पर आया हूं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लाइव। अतुल जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर अब आजम खान को बदतमीजे आजम कहा जाए तो आखिर कितना क्या बिल्कुल भी गलत मेरे हिसाब से तो नहीं होगा? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं गरिमा। और साल 2012 में जिस चैनल में मैं था, मैंने आजम खान की शान में एक स्पेशल एक घंटे का डिबेट शो बुलाया था और उसका नाम था बदतमीजे आजम, यानी बदतमीजों का मुखिया, बदतमीजों का सिरमौर। ये बदजुबाने आजम भी है, ये बदतमीजे आजम भी है। ये आदमी मीडिया कर्मियों से सवाल पूछे जाने पर कहता है कि मैं तुम्हारे वालिद की मौत पर यहाँ आया हूँ। तो मैं पूछता हूँ कि आजम खान, तुम अपने वालिद की मौत के वक्त कहाँ थे? अपने वालिद की मौत में तुम शामिल हुए थे आजम खान कि नहीं हुए थे? ये दो कौड़ी का टुच्चा आदमी, इसको बात करने की सहूर नहीं है। ये भारत के राजनेता है, ये जनप्रतिनिधि है। आजम खान को मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव अपने कंधे पर बैठाकर मुस्लिम तुष्टिकरण में और कितना डूबेंगे ये समझना पड़ेगा। ये आदमी जो अपने आप को मुसलमानों का नेता कहता है, ये आदमी जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा अपने आप को मजलूम यानी सताया हुआ बताता है, इस आदमी को बात करने की तमीज नहीं है? उसके बावजूद ये आदमी राजनेता कैसे बना हुआ है? योगी आदित्यनाथ और बहन कुमारी मायावती के ऊपर अगर चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है तो इस आजम खान जैसे काफिर और सिरफिरे आदमी को क्यों छोड़ा हुआ है? इसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? क्योंकि बजरंग बली और अली का संबंध भी इसने बताया था। जयाप्रदा जी को ये नचनिया बताता है, जयाप्रदा जी के ये अंडरवियर का रंग बताता है। और अब जो खबर नवीस पत्रकार हैं, इनसे विदिशा में पूछते हैं कि आजम खान साहब आप यहां किस लिए आए हैं, तो ये बज्जात आदमी कहता है कि हम तुम्हारे वालिद की मौत में आए हैं। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आजम खान, तुम अपने वालिद की मौत में शामिल हुए थे या नाच देखने गए थे? ये समझना पड़ेगा, क्योंकि अब इस आदमी को जैसी जुबान ये बोले वैसी जुबान में जवाब देने का मौका आ गया है। और मैं तो कहता हूं आजम खान के चिंटू पिंटुओं से, जो टेलीफोन करके अभी हमसे कहेंगे कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों बोल दिया, भाई साहब आपने ऐसा क्यों बोल दिया। हर बार ऐसा होता है जब मैं आजम खान के खिलाफ स्टैंड लेता हूं तो आजम खान के चिंटू पिंटू टेलीफोन करके कहते हैं, कई बार धमकाने के लिए और कई बार मनाने के लिए कि भैया ऐसा ना बोला करिए। आजम खान ऐसा क्यों बोलता है? मुलायम सिंह और अखिलेश आजम खान को क्यों नहीं रोकते? आजम खान जहर बुझी जुबान बोलता है और आजम खान एक राजनेता नहीं है, एक घटिया मानसिकता वाला एक इंसान है जिसे तत्काल मनोरोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। यह आदमी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है समझिए आप। भारत में रहता है, भारत में खाता है, भारत में ऐश करता है और भारत मां को डायन बता चुका है आदमी, उसके बावजूद अपने आप को जनप्रतिनिधि, अपने आप को नेता कहता है। गरिमा जी, अतुल जी, लेकिन जिस तरह से हम अगर बात करें अभी तक के बयानों की, आजम खान का सुबह भी एक बयान सामने आया जहां पर उन्होंने डीएम को लेकर यह बात कही कि उन्हें डीएम से डरने की जरूरत नहीं है, और अब मीडिया जिसे समाज का चौथा स्तंभ कहते हैं उस पर भी वो लगातार सवाल कर रहे हैं, तो आखिर अब क्या लगता है कि अब भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? क्योंकि अखिलेश यादव की बात करें तो हमेशा उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं करते, अब कब कार्रवाई की जाएगी आखिर? गरिमा, एक कहानी बताता हूं। हमारे गांव में, मैं बुंदेलखंड के बांदा का रहने वाला हूं, हमारे गांव में एक कुत्ता था।
उस कुत्ते को सब लोग बड़ा प्यार करते थे, कोई रोटी डाल देता था, कोई बिस्किट खिला देता था, वो कुत्ता भी सब से घुल मिल गया था। एक दिन कुत्ता पागल हो गया, वो सबको काटने लगा, बच्चों को दौड़ाने लगा, भौंकने लगा। गांव वालों ने घेर कर उस कुत्ते को लाठियों से मार डाला। मुझे लगता है कि आजम खान जैसे जो लोग हैं अब ये उसी मानसिक दिवालियापन की स्थिति में जा पहुंचे हैं, जहां पर वो किसी को कुछ समझते नहीं है, हर किसी को भौंकने, हर किसी को काटने दौड़ते रहे अब आजम खान। और जो लोग आजम खान को साहब कहते हैं, मैं उनसे भी सख्त जो है वो नफरत करता हूं कि आजम खान को जो साहब कहते हैं तो फिर आप मौलाना मसूद अजहर को भी को क्या कहेंगे, आप ओसामा बिन लादेन को क्या कहेंगे। ये आदमी इतना कमजोर आदमी है कि भारत में रह के भारत के खिलाफ जहर उगलना। आप कह रहे हैं कि मायावती अधिकारियों से जूता साफ करवाती थी और रामपुर के डीएम से, मैं मायावती का जूता साफ कराऊंगा? आजम खान तुम्हारी औकात नहीं है। अगर पढ़े लिखे होते, पढ़ लिखकर आईएएस आईपीएस बनते तो शायद इस तरह का बयान ना देते, या तुम्हारे खानदान में कभी कोई पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ता तो तुमको इस पढ़ाई लिखाई की वैल्यू पता होती। तुच्छाई करना, लंपटाई करना, गुंडागर्दी करना, समाज में विद्वेष पैदा करना, मुसलमानों के तुष्टिकरण में आकंठ डूबना, जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पे अपने बाप की एक बपौती तैयार कर लेना, सरकारी भवनों को अपने प्राइवेट संपत्ति में मिला लेना, और जब कोई कुछ कहे तो कह देना कि जी इस देश का मुसलमान तो मजलूम है, मुसलमान को सताया जाता है, मुसलमान तो बेचारा है। अरे तुम शैतान हो आजम खान, जिस तरह की तुम जुबान बोलते हो। और तुमने जो कहा कि मीडिया कर्मी से सवाल पूछे जाने पर कि तुम्हारे वालिद की मौत में आया, तो मेरा मूल सवाल यही है आजम खान कि क्या तुम अपनी वालिद की मौत में गए थे कि उस वक्त भी नाच देख रहे थे? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अतुल जी हमारे साथ बातचीत के लिए। ये घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।